हॉस्पिटल का नाम कोविड ओपन हॉस्पिटल रखा गया है और जो आइसोलेशन वार्ड है वो करीब 25 से ज्यादा है। इस हॉस्पिटल में 20 डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहेगी। मुंबई शहर में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वही इस वायरस से जंग जीतकर कितने लोग अपने घर लौट चुके हैं और कई लोगों का इलाज अब भी चालू है। इस दौरान शहर में आइसोलेशन बेड की कमी हो गई है, आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन, हर चीज़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ कमी भी बढ़ रही है। ऐसे में MMRDA ने 2000 बेड के दो अलग अलग यूनिट बनाए हैं और इस हॉस्पिटल का नाम कोविड ओपन हॉस्पिटल रखा गया है। इस हॉस्पिटल में कुल 1000 ऑक्सीजन बेड है। इसके अलावा 108 आईसीयू का भी इंतज़ाम किया गया है और जो आइसोलेशन वार्ड है वो करीब 25 से ज़्यादा है, यानी एक ऐसा सेंटर जहां पर मुंबई के गंभीर से गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सकता है और KEM, साइन, इन जैसे बड़े अस्पतालों से भी जो गंभीर मरीज है उनको इस अस्पताल में लाया जा सकता है। इस हॉस्पिटल में 20 डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहेगी। देखिए तस्वीरें कोविड ओपन हॉस्पिटल की, जहां पर हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।